नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा, और आइए अब शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों की। हर साल हज पर जाने वाले यात्रियों को भोपाल से सीधी फ्लाइट मिलती थी, लेकिन इस बार हज पर जाने वाले यात्रियों को पहले मुंबई जाना होगा। पटवारी भर्ती परीक्षा के पहले ही दिन अव्यवस्था की स्थिति बन गई। सुबह 9 बजे शुरू होने वाली पहले चरण की परीक्षा आधार लिंक न होने से तय समय पर शुरू नहीं हो पाई। जबलपुर में ओमती थाने अंतर्गत सिंघई कॉलोनी में खेले जा रहे बेखौफ जुए के अड्डे पर पुलिस ने छापेमार कार्रवाई की। हर साल हज पर जाने वाले यात्रियों को भोपाल से सीधी फ्लाइट मिलती थी, लेकिन इस बार हज पर जाने वाले यात्रियों को पहले मुंबई जाना होगा। पहले देश भर में 21 एयरपोर्ट से उड़ानें निर्धारित थीं। अब आपको बता दें कि केंद्र सरकार द्वारा सब्सिडी बंद किए जाने के बाद अब 11 जगहों से सीधी फ्लाइट को बंद कर दिया गया है। यदि यात्री भोपाल इंदौर एयरपोर्ट से जाना चाहते हैं तो पर्याप्त संख्या होने के बाद भी उन्हें ज्यादा किराया चुकाना होगा। पटवारी भर्ती परीक्षा के पहले ही दिन अव्यवस्था की स्थिति बन गई। सुबह 9 बजे शुरू होने वाली पहले चरण की परीक्षा आधार लिंक न होने से तय समय पर शुरू नहीं हो पाई। परीक्षा केंद्रों के बाहर आधार लिंक कराने के लिए छात्रों की लाइन लगी रही। ऑनलाइन परीक्षा में प्रवेश के लिए हर उम्मीदवार की बायोमेट्रिक मिलान और पहचान दर्ज करने के निर्देश केंद्रों को दिए गए हैं। बगैर आधार कार्ड और फिंगरप्रिंट मैचिंग के परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं दिया जाएगा, लेकिन एक परीक्षार्थी को आधार लिंक कराने के बाद रजिस्ट्रेशन कराने में करीब 15 से 20 मिनट का वक्त लगा, जिससे बड़ी संख्या में छात्र केंद्रों के बाहर ही खड़े रह गए। मुर्दाबाद, 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 मुर्दाबाद। शनिवार सुबह चचरी निवासी गोलू की ट्रैक्टर के नीचे दबने से मौत हो गई थी, जिसे परिजन स्वास्थ्य केंद्र खाते गांव में लेकर आए थे। डॉक्टर बघेल ने गोलू को मृत घोषित किया था और मृतक को हॉस्पिटल से पीएम रूम ले जाने तक के लिए परिजनों के पास वाहन की कोई व्यवस्था नहीं थी। वाहन की व्यवस्था के लिए परिजनों ने सभी दूर हाथ पैर चलाए, लेकिन फिर भी वाहन की व्यवस्था नहीं हो पाई। तब परेशान होकर परिजनों ने मृतक को पीएम रूम पर ले जाने के लिए परिजनों को स्ट्रेचर का ही सहारा लेना पड़ा। परिजन स्ट्रेचर पर मृतक को तकरीबन 200 मीटर दूर पोस्टमार्टम रूम तक ले गए, और जब इस संबंध में मृतक के परिजनों से जानकारी ली गई तो उन्होंने बताया कि हमारे पास वाहन की व्यवस्था नहीं है। मध्य प्रदेश के देवास जिले की शान और देश का गौरव अमर शहीद नीलेश नागर धाकड़ की अस्थि कलश यात्रा उनके गृह ग्राम गिजलाय से प्रारंभ होकर आष्टा, खाचरोद, कुस्मानिया, कन्नौद, खाते गांव होती हुई नेमावर के नर्मदा तट पहुंची, जहां उनकी अस्थि कलश को नम आंखों से श्रद्धा सुमन अर्पित कर मां नर्मदा में विसर्जित किया गया। और शहीद नीलेश की अस्थि कलश यात्रा में सैकड़ों लोगों ने सैकड़ों वाहनों के साथ हिस्सा लिया। अस्थि कलश का जगह जगह पुष्प अर्पित कर ऐतिहासिक सम्मान किया गया, और खाते गांव में भी अनेक स्थानों पर उन्हें पुष्प अर्पित कर उनकी अस्थि कलश पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। पुलिस थाना खाते गांव के सामने थाना प्रभारी टीआई तहजीब काजी, पुलिसकर्मियों ने शहीद धाकड़ की अस्थि कलश को नम आंखों से सैल्यूट कर पुष्प अर्पित किए। लॉटरी के नाम पर ठगी करने वाले एक शातिर आरोपी को एसटीएफ ने टीकमगढ़ से गिरफ्तार किया है। पुलिस गिरफ्त में आया आरोपी का नाम सुनील बेलदार है, जिसने गैंग के साथ मिलकर लाखों रुपए की ठगी की थी, जिसकी शिकायत को एसटीएफ ने गंभीरता से लिया, और लिहाजा साइबर सेल के माध्यम से पता चला कि आरोपी टीकमगढ़ में छिपकर ठगी कर रहा है। सूचना मिलने पर एसटीएफ ने जहां टीकमगढ़ से आरोपी को गिरफ्तार किया है, तो वहीं उसका एक अन्य साथी पहले ही एसटीएफ की गिरफ्त में आ चुका है। एसटीएफ प्रभारी हरिओम दीक्षित की माने तो टीकमगढ़ में ऑनलाइन का काम लंबे समय से चल रहा था, यही वजह है कि वहां से संचालित ऑनलाइन ठगी का खेल ये गैंग जबलपुर, कटनी, टीकमगढ़ सहित प्रदेश के कई जिलों में चला आ रहा था। फिलहाल एसटीएफ ने गिरफ्त में आए सुनील बेलदार को रिमांड में लेकर उससे पूछताछ शुरू कर दी है। अनुमान लगाया जा रहा है कि जल्द ही इस गिरोह के मुखिया को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा।
हमको सलीमनाबाद निवासी कृष्ण कुमार काची ने शिकायत की थी कि उसे ऑनलाइन लॉटरी के नाम पर ठगी की गई है और उससे विभिन्न दिनांकों में विभिन्न खातों में लगभग 55,000 रुपए उसे जमा कराए गए थे। साइबर सेल ने शिकायत प्राप्त होने पर जांच की, प्रकरण कायम किया। प्रकरण के बाद आरोपियों की तलाश की, जिसमें कि आरोपी सुनील बेलदार को कल टीकमगढ़ से गिरफ्तार किया है। इसके खाते में विभिन्न दिनांकों में 3 बार वो राशि जो है वो जमा कराई गई थी। इसका कहना है कि इसको इस राशि को के बदले इसको कमीशन मिलता था। इसमें अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष सनोवर पटेल का रेल के द्वारा जबलपुर आगमन हुआ, जहां पर कार्यकर्ताओं ने उनका फूल माला पहनाकर गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। वहीं अध्यक्ष ने बताया कि एक क्रिसमस मिलन के कार्यक्रम में शामिल होने आया हूं। वहीं गुजरात चुनाव की बात की गई तो उन्होंने बोला कि निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी 150 से ज्यादा सीट पर जीतेगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का काम करते हुए लगातार प्रवास का कार्यक्रम बना रहता है और आज खास तौर पर क्रिसमस मिलन का एक कार्यक्रम यहाँ कैरल सिंगिंग के नाम से कार्यक्रम ईसाई समुदाय का प्रतिवर्ष होता है, वो आज कार्यक्रम यहाँ होने जा रहा है। और हमारे लेस्ली भाई और उनकी माताजी मैडम लोगो और बहन शीला जी, ये लोग मिलकर उसको एक बड़ा कार्यक्रम का रूप देते हैं। मध्य प्रदेश की ऐतिहासिक पटवारी भर्ती परीक्षा 2017 आज से शुरू हुई, लेकिन पहले ही दिन ये परीक्षा विवादों में घिर गई है। नीमच में ज्ञानोदय कॉलेज में चल रही पटवारी की परीक्षा में 250 छात्र में से 75 छात्र का ही वेरिफिकेशन हो पाया। पहले दिन ही तय समय पर पेपर शुरू नहीं हो पाया और पहले ही दिन व्यापम की अनियमितताएं उजागर हुई हैं, जिसके विरोध में छात्रों ने व्यापम में गड़बड़ी का आरोप लगाया और हंगामा किया। बताया जा रहा है कि सर्वर डाउन होने से परीक्षार्थियों का वेरिफिकेशन नहीं हो पा रहा है। आधार लिंक न होने के चलते सुबह 9 बजे शुरू होने वाली परीक्षा नियमित समय पर शुरू नहीं हो पाई। परीक्षा में बड़ी अव्यवस्था ने एक बार फिर व्यापम की पोल खोल दी है। 250 छात्रों में से 75 छात्रों का वेरिफिकेशन हो पाया और तकनीकी खामियों के कारण ये परीक्षा नियमित समय से शुरू नहीं हो पाई है। जितने भी पूरे एमपी में ऑल ओवर जितने भी एमपी में एग्जाम कैंडिडेट देते हैं, एक एग्जाम होता है। अब ये कह रहे हैं कुछ लोगों का वेरिफिकेशन हो गया, 40 लोगों ने एग्जाम दे लिए, बाकी लोग रह गए तो उनका पेपर अलग क्यों आएगा? फिर उनका पेपर भी वही आना चाहिए। इस तरीके से ये पेपर लीक हो चुका है, क्योंकि एक शिफ्ट का एक एग्जाम होता है। आप 40 लोगों के लिए अलग एग्जाम करवा रहे हैं, फिर बाकी के लिए अलग, फिर सर्वर बार बार अगर प्रॉब्लम आती है तो ये एग्जाम कहाँ तक चलेगी? और पहले दिन ये समस्या है प्रदेश में, पहले भी व्यापम में इस प्रकार की स्थिति तो यही लग रहा है। इसका नाम भले इनने पीई भी किया, बाकी काम पूरे इनके व्यापम जैसे ही है और पूरा सर्वर पूरा रद्द है बिल्कुल। बोर्ड के लिए वैकेंसी निकाल रहे हैं, आज हम सुबह 7:30 बजे का रिपोर्टिंग टाइम था, हम 7:30 बजे आके लाइन में लगे। 8:30 बजे तक हम लाइन में लगते रहे, कुछ लोगों का वेरिफिकेशन कर लिया इनने। उसके बाद हम 8:30 बजे हमको बोला कि सर्वर डाउन हो गया है, हमको 11 बजे तक वही कॉलेज के अंदर कॉरिडोर में रखा। उस समस्या जो है स्थानीय स्तर की नहीं है, पूरे मध्य स्तर पर प्रॉब्लम आ रही है। जो आधार का जो UID का सर्वर है वो पावर डाउन हो रहा है। परीक्षा का जो सर्वर, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि परीक्षार्थी का आधार वेरिफिकेशन करना जरूरी है, तो उसमें जो सर्वर प्रॉब्लम आ रही है उससे आधार के उनके परीक्षा में टाइम लग रहा है। हालांकि अभी तक इस सेट में जो 250 परीक्षार्थी हैं उनमें से लगभग 75 करीब उनके हो चुके हैं, आधार वेरिफिकेशन हो चुका है और वो अपने एग्जाम का स्टार्ट हो गया है। 12 बजे तक समय बढ़ाया गया है, तो इसमें उम्मीद है कि सर्वर ठीक ठाक सभी की रख चुके सभी लोगों का। जबलपुर में ओमती थाने अंतर्गत सिंघई कॉलोनी में खेले जा रहे बेखौफ जुए के अड्डे पर पुलिस ने छापेमार कार्रवाई की। बताया जा रहा है कि फंड संचालक पुलिस को देखते ही लाखों रुपए के साथ फरार हो गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने दरवाजा तोड़कर 61 लोगों को जुआ खेलते गिरफ्तार किया, जिनके पास से 1,26,000 नकदी के साथ 40 मोबाइल फोन भी जब्त किए गए हैं। छापेमार कार्रवाई के दौरान CSP आजम खान मौजूद रहे। जबलपुर में आज नेशनल लोक अदालत का जिला एवं सत्र न्यायालय जबलपुर में आयोजन किया गया, जिसमें आपराधिक प्रकरण, मोटर दुर्घटना, बैंकों का ऋण एवं अन्य मामलों का निराकरण हुआ। इस अवसर पर लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। अदालत का आयोजन किया गया है, इसमें सभी प्रकार के मामलों का निपटारे हेतु लोक अदालत का आयोजन किया गया है, जिसमें दांडिक मामले, सिविल मामले और जितने भी मृत्यु दुर्घटना या दुर्घटना संबंधित प्रकरण है सबका निपटारे हेतु लोक अदालत का
आयोजन किया गया है। जनसंपर्क, जल संसाधन एवं संसदीय कार्य मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने नवीन पुलिस आवासों का शिलान्यास किया। पुलिस लाइन परिसर में 24 पुलिस अधिकारी और 96 पुलिस आरक्षकों के लिए नवीन पुलिस आवास 19 करोड़ रुपए की लागत से बनाए जाएंगे। कार्यक्रम में पुलिस अधीक्षक मयंक अवस्थी, जिला पंचायत अध्यक्ष रजनी प्रजापति, मंडी अध्यक्ष प्रतिनिधि जीतू कमरिया, जनपद अध्यक्ष प्रतिनिधि सतीश यादव सहित पुलिस अधिकारी और जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहे। ये सिर्फ अपना फर्ज निभा रहे और दतिया के अंदर सभी जितने हमारे गणमान्य आरक्षक हैं, प्रधान आरक्षक हैं, इन सबके क्वार्टर बन जाए, ये भाव लेकर इस काम की शुरुआत की है। जो हट रहे हैं, एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है कि जिसको हमने आवास के लिए जमीन न दिए और 2.5 लाख रुपया और ऊपर से न दिया। हर व्यक्ति हटने वाले को ये दिया गया है। अगर कोई व्यक्ति रह गया है और उसका मकान प्रभावित हुआ है अथवा और भी कोई तकनीकी, व्यवहारिक, प्रशासनिक, शासन की ओर से कोई भी उसको सहयोग की अपेक्षा होगी, हम उसके लिए आधी रात को अपना दरवाजा खोल के प्रतीक्षा करेंगे। जबलपुर में आज लोक अदालत का आयोजन किया गया, जिसमें एसपी ऑफिस के पुलिस परिवार परामर्श केंद्र में कुल 46 मामले सामने आए, जिसमें ज्यादातर के मामले प्रेम विवाह के झगड़े को लेकर आए, वहीं अधिकतर प्रकरणों में सुलह होने के आसार है। पुलिस परिवार परामर्श केंद्र घरेलू हिंसा अधिनियम 2006 के अंतर्गत सेवा प्रदाता पंजीकृत है। आज नेशनल लोक अदालत में प्री लिटिगेशन केसेस में आउट ऑफ कोर्ट सेटल में 46 प्रकरण यहां पर प्रस्तुत किए गए हैं। 46 प्रकरणों में समझौता उपरांत यहां पर उनकी सुनवाई की जा रही है। 3 खंडपीठों का गठन किया गया है और 3 खंडपीठों में पारिवारिक और वैवाहिक विवादों का परस्पर सहमति से समाधान किया जा रहा है। लोक अदालत में विवादों का स्थायी निराकरण किया जाता है, मानसिक समाधान होता है, जिससे आने वाले समय में मुकदमों का अंबार कम होता जा रहा है। न्यायालय में बढ़ते मुकदमों के कारण प्री लिटिगेशन केसेस परिवार परामर्श केंद्र द्वारा हल किए जा रहे हैं और 46 प्रकरणों में आज हम लोग समझौता कराने की स्थिति में हैं। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। और भी खबरों के अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए पुलिस वाला वेब न्यूज़।